जय हिंद दोस्तों, क्या हाल है। एक ऐसी कार जो पलक झपकती 100 की स्पीड पकड़ लेती है, 1001 हॉर्स पावर के साथ चलने वाले 16 सिलेंडर वाला इंजन, जो कार आज की डेट में कोई भी एक से बेहतर सुपर कार को भी चुटकियों में टक्कर दे सकती है। वर्ल्ड का पहला कार जिन्होंने 408 किमी टॉप स्पीड अचीव किया था, वो भी सिर्फ 42 सेकंड में इन साल 2010। सो आई होप दोस्तों, नंबर्स को आप सुनकर आपको पता चल गया होगा कि आज हम किस कार के बारे में बात कर रहे हैं। यस दोस्तों, द लेजेंडरी कार बुगाटी वेयरोन के बारे में। ऐसी कार जिसमें कार की दुनिया में पहली बार एक सुपर कार को इंट्रोड्यूस करा गया था, जो कि पूरे वर्ल्ड में धमाल मचा था। तो दोस्तों, अगर हम इस कार के मैन्युफैक्चर कंपनी के हिस्ट्री के बारे में थोड़ी सी डिस्कस करने की कोशिश करें तो पहले इतनी अच्छी नहीं रही थी। पिछले सदियों की शुरुआत में फ्रेंच सैक्स एटोर बुगाटी ने इस कंपनी को पहली बार एस्टेब्लिश किया था। साल 1909 में कुछ टूर करने वाले कार्स को बनाती थी जिन्हें लोगों ने कभी भी देखा तक नहीं था। बट आगे कुछ ऐसी मुसीबत आई कि इस कंपनी को फाइनली 1952 में बंद कर दिया गया। इसके बाद 1980 में इटली के बिजनेसमैन रोमानो केटोली ने इस कार कंपनी को खरीदने के बाद ईवी 100 सुपर कार्स को बनाना स्टार्ट कर दी। लेकिन इस कंपनी की किस्मत दोबारा से भरी भरी 1995 में फिर से इसको बंद करना पड़ा। 1998 में वॉक्सवैगन कंपनी ने इसको खरीद लिया और कार की दुनिया में एक ऐसे कॉन्सेप्ट का इंट्रोड्यूस कर डाला जिसमें आखिर कार बुगाटी का किस्मत को पूरी तरह से बदल कर। साल 2001 में इन्होंने धरती पर चलने वाली सबसे तेज कार बनाने की शुरुआत कर दी थी। और आज भी देखो तो धरती में जितने सारे आपको तेज चलने वाली कार देखने को मिलती है, उसमें से बेहतरीन कार निकल के आती है बुगाटी वेयरोन। कोई भी कार का मेन आर्ट होता है उसके इंजन। कोई भी कार का इंजन को बनाना सबसे ज्यादा पहला और जरूरी काम होता है। बुगाटी वेयरोन की शानदार इंजन के बनाने की शुरुआत वॉक्सवैगन के सबसे बड़े प्लांट यानी कि सेल्स गिटार इंजन प्लांट से, जो कि सिर्फ वॉक्सवैगन के ही नहीं पूरे वर्ल्ड में जितने बड़े बड़े कार फैक्ट्री उनमें से एक है। लेकिन फिर भी यह वेयरोन की इंजन को एक छोटे से कमरे के या रूम के अंदर असेंबल कराया जाता है, वो भी सिर्फ हाथों से। इंजन के पार्ट्स टाइटेनियम और एल्युमिनियम के मदद से बनाए जाते हैं, जिसमें से सीट और पैडेड केस को हाथों से डिलीवर किया जाता है। इस इंजन में लगने वाले हर पिस्टन में एल्युमिनियम के पैडेड होते हैं। वेयरोन की इंजन नॉर्मल कार से बिल्कुल अलग होते हैं, जो कि वॉक्सवैगन तैयार करते है। इसमें 2 V8 इंजन को मिलाकर बनाया जाता है और एक कार के इंजन को बनाने में करीब एक हफ्ता टाइम लग जाता है। साल 2001 में इन इंजीनियर्स ने पहली बार इस कार को टेस्ट किया था, जहां इन्होंने 1000 हॉर्स पावर की हैरियत अंगेज पावर दिखाई, जिसके बाद ये नंबर धीरे धीरे बढ़ते चले गए। इन इंजिन में लगभग 3000 हॉर्स पावर तक जनरेट कर सकते हैं, जो कि नॉर्मल एक एक्सप्रेस ट्रेन देखते उसका जो इंजन होते है उसका आधा पावर होते। कैन यू इमेजिन गाइस कितना पावरफुल इंजन है ये, जिसमें से 2/3 पावर तो हीटिंग इश्यूज पैदा करते हैं। ये इतनी ज्यादा गर्मी होती है कि अगर हम देखें सर्दी का मौसम में करीब 100 फैमिली ठंड से बच सकते है। कैन यू इमेजिन गाइस इतने ज्यादा हीट जनरेट करते है। सो इस हीट से आप इंजिन का पावर अंदाजा लगा सकते है। जब इस कार को पहले बार रोड टेस्ट करने के लिए ले जाया गया था तो इनकी स्पीड थी 321 किलोमीटर पर आवर एंड जिसके पीछे 6 फीट लंबी फ्लेम निकल रही थी, जो कि ट्रैफिक रूल्स के हिसाब से पूरी तरह से इनलीगल था। कंपनी ने इस हीट का जो प्रॉब्लम है उससे निपटने के लिए हर वेयरोन में रेडिएटर लगाना शुरू कर दी। बुगाटी का हर वेयरोन कार में लगभग 10 रेडिएटर लगाई जाती है, जिनसे की कूलिंग कैपेसिटी बनी रहती है। दोस्तों, एक रेडिएटर को बनाने के लिए करीब 15 घंटे का टाइम लगता है एंड उसके बाद इस कार के जो गियर है उसको बनाने के लिए इटली का एक बहुत ही बढ़िया ब्रांड है जिसका नाम है मासूर ब्रांड, तो वहाँ पर इस काम को करने के लिए सौंपा जाता है। ये कंपनी वेयरोन के लिए स्पेशल कस्टमाइज्ड गियरबॉक्स बनाता है जिसमें डुअल क्लच वाला मैकेनिज्म को इंस्टॉल किया जाता है। हाँ दोस्तों, मेरे को पता है आपको सुनने में यह लगेगा कि आज के टाइम पे ये मैकेनिज्म बहुत ही कॉमन चीजें हो चुकी है, पर उस टाइम पे ये जो मैकेनिज्म था, ये डुअल क्लच का कॉन्सेप्ट एकदम ही नया था। इंजन और गियर का काम होता है गाड़ी को दौड़ाना, लेकिन एक बार स्पीड पकड़ने के बाद एंड उसको रुकना काफी मुश्किल हो जाता है एंड उसको रुकने के लिए स्पेशल तरीके का कार्बन सिरेमिक ब्रेक्स का इंस्टॉल किया जाता है। इसे जर्मनी में बनाई जाती है एंड इन ब्रेक्स की खास बात यह होती है कि लगभग 932 डिग्री सेंटीग्रेड तक गर्मी को यह झेल सकती है। बट ये भी एक वेयरोन के लिए सेफली रुकना बहुत ही कम होती है, इसलिए कार में और एक तरीके का ब्रेक लगे होते हैं जो बेसिकली एयर ब्रेक कहा जाता है। आपने बुगाटी के पीछे जो विंग है उसको तो देखा ही होगा, तो उसमें बेसिकली एयर ब्रेक का जो मैकेनिज्म होता है उसको इंस्टॉल किया जाता है, जो कि एक 1/3 सपोर्ट प्रोवाइड करता है फ्रंट या पीछे वाले जो ब्रेक कार का व्हील में लगा हुआ होता है।
तो इसके वजह से बहुत ही आसानी से इसको रोका जाता है। मैकेनिकल ग्रिल्स को तो हाथों से ही बना जाता है, लेकिन कार के जो रियर विंग्स है वो उसको बनाने के लिए जर्मनी का एक ब्रांड है हेजमैन एरोस्पेस कंपनी, वो उसको तैयार करते है। कार के आगे हिस्से को जिस स्टेनलेस स्टील से बना जाता है उस स्टेनलेस स्टील की मदद से प्लेन और जेट पेन बनाई जाती है। और इसके जो फ्रंट प्रोफाइल है वहाँ पर जो ग्रिल्स आप देखते हो उसको टाइटेनियम से बनाया जाता है। अगर बताने की कोशिश करो तो एक बुगाटी वेरोन 0 से 100 की स्पीड पकड़ने के लिए सिर्फ टाइम लेता है 2.5 सेकंड्स एंड 100 से 0 तक आने के लिए जो ब्रेकिंग का टाइम है वो वहाँ पर लगता है 2.2 सेकंड। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल ठीक सुना, ये है इन ब्रेक्स का कमाल। अगर बुगाटी वेरोन की माइलेज के बारे में बताने की कोशिश करो तो यहाँ पर जो माइलेज आपको देखने को मिलती है ये बहुत ही उल्टा है एज कम्पेयर टू नॉर्मल कार। तो बाद जो हाईवे पे आपको माइलेज देखने को मिलेगा वो है 2.3 किलोमीटर पर लीटर और सिटी रोड पे जो आपको माइलेज प्रोवाइड करने वाला है 6.8 किलोमीटर पर लीटर। सो आप सोच गए होंगे नॉर्मल कार के मुकाबले कितने अलग है। एक नॉर्मल कार सिटी में जहाँ पर कम और हाईवे पे ज्यादा माइलेज देती है, वहाँ पर बुगाटी वेरोन की जो मोटर्स है वो हाईवे पे चलने के लिए उसको 8 गुना ज्यादा फ्यूल पंप करना पड़ती है एज कम्पेयर टू किसी भी नॉर्मल कार। एंड इसलिए यहाँ पर जो कूलेंट लगी होती है वो नॉर्मल कार से काफी ज्यादा अलग होती है। वेरोन के फ्यूल टैंक को बनाने के लिए करीब 250 अलग अलग कंपोनेंट्स के जरूरत पड़ती है और ये पूरे 3 दिन में बनकर तैयार होती है। इसके फुल कैपेसिटी 100 लीटर होती है और अगर एक वेरोन कार का फुल स्पीड में लगातार 12 मिनट तक चलाया जाए तो वहाँ पर जो आपको फ्यूल है वो खाली हो जाएगी। यानी कि ये चीज आपको सुनने में काफी हैरान कर देने वाली बात है, बट ये इसका सच्चाई है। फुल स्पीड में ये कार 12 मिनट तक ही चलेगी और ये कार केवल 12 मिनट में 80 किलोमीटर का फैसला तय कर चुकी होगी। और इतने तेजी कार को चलने के लिए जो टायर बनाया जाता है वो भी कोई आसान काम नहीं होता है। इस मुश्किल काम को करने के लिए मिशेलिन टायर कंपनी अपने हाथों से कस्टमाइज टायर बनाती है। इस कंपनी दो तरीके का टायर बनाती है बेसिकली, एक रेसिंग ट्रैक के लिए और एक जो हमारा नॉर्मल रोड के लिए। लेकिन बुगाटी को बनाने के लिए यहाँ पर दो कॉम्बिनेशन का यूज किया जाता है जो रेस ट्रैक और नॉर्मल रोड पर चलने वाली दोनों टायर का कॉम्बिनेशन होता है। मिशेलिन ने बुगाटी के लिए एक बेहतरीन कस्टमाइज हैंडमेड टायर्स बनाते हैं। एक स्टैंडर्ड टायर को स्टैम्प करने के लिए पर ये कंपनी 33 सेकंड का टाइम लेते हैं, वहाँ पर सिर्फ बुगाटी वेरोन के लिए जो टायर बनाते हैं वहाँ पर एक घंटे के आसपास वक्त लग जाती है। इतनी मेहनत से बेहतरीन तरीके से टायर बनाए जाते हैं स्पेशली फॉर बुगाटी वेरोन। सो आप लोग सोच सकते हैं क्योंकि इसका कीमत जो होता है बहुत ही ज्यादा होता है। एक बुगाटी वेरोन का जो टायर होता है उसको बदलने के आपको $17,000 खर्च करना पड़ेगा, जो कि इंडियन करेंसी में अगर मैं बताने की कोशिश करूँ तो लगभग 13 लाख रुपए के आसपास। अगर इस कार को आप लगातार 15 मिनट तक फुल स्पीड में चलाएंगे, क्योंकि इतने शानदार होने के बाद भी टायर सिर्फ 15 मिनट तक ही स्पीड को झेल सकते हैं और 15 मिनट के बाद आपको फिर से इस कार का टायर को बदलने पड़ जाएंगे। जबकि इस टाइम में कार की जो हर पार्ट्स उसको तैयार करके पूरी तरीके से नया कार बनाया जा सकते हैं। तो इन्हें फ्रेंच का मसलिम शहर में मोगट बुगाटी के फैक्ट्री बुगाटी एटेलियर में भेज दिया जाता है। सो एटेलियर फैक्ट्री का मतलब होता है आर्टिस्ट का वर्कशॉप। इस शानदार फैक्ट्री में वेरोन के इनकम्प्लीट पार्ट्स को 3 अलग अलग सेक्टर्स में डिवाइड किया जाता है जब तक कि उन्हें एक साथ लाने के लिए रेडी किया जाता है। इस कार में ड्राइवर के लिए जो कॉकपिट्स लगाए होते हैं वो बहुत ही सेफफुल होते हैं एंड बहुत ही बेहतरीन तरीके से वहाँ प्रोटेक्शन प्रोवाइड किया जाता है और इसको कार्बन फाइबर से बनाया जाता है। आप इस बात से भरोसा करें या ना करें वो टोटली आपके ऊपर डिपेंड है, बट यहाँ पर जो फ्रंट और बैक रियर जितने सारे पार्ट्स आप कार में देखते हो उसको जोड़ने के लिए सिर्फ और सिर्फ 14 बोल्ट की जरूरत पड़ती है। हाँ, ये बोल्ट भी टाइटेनियम से बनाई जाती है और इन सभी बोल्ट को लगाने के लिए मशीन नहीं बल्कि इंसानों का काम होता है। इनका जो इंजीनियर्स हो खुद हाथों से ही असेंबल करते हैं। हर कार का बॉडी पैनल को लगाने से पहले उन्हें कई सारे टेस्ट से गुजारा जाता है एंड और जब ये पूरी चलकर तैयार होती है तो 5 हफ्ते गुजर चुके होते हैं। हर वेरोन कार को बनाने के बाद उसे 400 किलोमीटर तक चलाए जाते हैं ताकि पता चल सके कार में करा हुआ काम अच्छे से हुआ है या नहीं। कुछ कार्स को टेस्ट करने के लिए वॉक्सवैगन का जो टेस्ट फैक्ट्री है बेसिकली जर्मनी में मौजूद है वहाँ पर इसको ले जाया जाता है। आखिर जो कस्टमर इसके लिए 12 करोड़ रुपए पे करने के लिए तैयार होते हैं। अगर कार में कोई भी खामियां खुबियां ना रहे इसके लिए बिफोर ओनर तक भेजने से पहले 2 दिन तक इसको दोबारा से पॉलिश किया जाता है एंड कस्टमर्स तक भेजने से पहले
जो टेस्टिंग किया हुआ था बेसिकली 480 किलोमीटर का हुआ था, तो उसके वजह से जो गंदगी हुई है उसको पूरी तरह से साफ किया जाता है। तो एक बुगाती वेरोन की टॉप स्पीड 408 किलोमीटर पर आवर आसपास पहुंच जाती है। 2020 तक इस कार का जो टॉप स्पीड तक का रिकॉर्ड किया हुआ है वो 42 सेकंड से भी कम है। बट इन कार में एक मैकेनिकल लिमिटर होता है जिसको हैक करना बहुत ही डिफिकल्ट होता है। बट अगर कोई भी तरीके से इसको हैक किया जाएगा तो इस कार का जो टॉप स्पीड है वो 408 किलोमीटर से लेकर 432 प्लस किलोमीटर तक चला जाएगी, जो कि बहुत ही ज़्यादा भयंकर तरीके का स्पीड पैदा कर देगी एंड उसके वजह से एक्सीडेंट भी हो सकते हैं। तो इसलिए इस लिमिटर को लगाया जा सकता है। अगर कस्टमर के लिए लगभग 12 करोड़ रुपए खर्च करना इस कार के लिए बहुत ही एक्सपेंसिव है एंड इसलिए इस कार को बहुत ही ध्यान से सेफ तरीके से बनाया जाता है। दोस्तों और एक हिडन फैक्ट है जो इस कार के जितने सारे भी कस्टमर आप देखते हो वो बहुत ज़्यादा अमीर लोग होते हैं एंड जिसके पास ऑलरेडी दूसरी ब्रांड के लग्जरियस कार होते हैं, प्राइवेट जेट होते हैं और प्राइवेट शिप भी होते हैं। क्योंकि 2005 से लेकर आज तक भी जितने सारे बुगाटी वेरोन कार को बेची गए उसका जो नंबर केवल वहाँ पर आपको 300 बुगाटी बेची गई, जहाँ पर कोई भी नॉर्मल कार खरीदने से पहले हम लोग उसके स्पेसिफिकेशन, इंजन, लुक्स, प्राइस उसके बारे में चर्चा करते हैं। बट वही बार बुगाटी वेरोन एक दुनिया में कार मैन्युफैक्चर करने की जो टेक्निक है एंड जो उसका लुक्स है, आप जो भी चीज़ देखें उसको एक नए दिशा में सूचित करा है। बुगाटी ने लुक्स एंड इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ साथ कार की स्पीड को भी बहुत ज़्यादा कंसीडर किया जाता है, चाहे इस कार की इंजीनियरिंग हो, डिजाइन हो, बहुत ही बेहतरीन है एंड क्रेडिट गोज़ टू द टीम। बेसिकली जो इसका इंजीनियर्स होते हैं वो बेहतरीन तरीके से जो जिस चीज़ का हम रियल लाइफ में पॉसिबल नहीं कर सकते हकीकत को बदल दिया है। जो हमारे हेलीकॉप्टर होते हैं, नॉर्मल प्लेन्स होते हैं, बुलेट ट्रेन्स होते हैं, उससे भी ज़्यादा फास्टर है ये कार। फास्टर मतलब यानी कि मैं टॉप स्पीड के बारे में नहीं बता रही हूँ, जो इसका पीछे स्पीड अचीव करने का टाइम है यानी कि इनिशियल स्पीड का जो टाइम है वो बहुत ही फास्ट होता है। तो दोस्तों कैसी लगे आज के कार्यक्रम एंड दोस्तों यू कैन टेल योर फेवरेट कार्स बाय द कमेंट सेक्शन एंड आपको क्या ख्याल है इस बुगाटी वेरोन के बारे में एंड आपका क्या पर्सनल ओपिनियन है, और डेफिनेटली आप कॉमेंट्स के जरिए मेरे को कॉमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।